हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करके अप्लाई करके अपने बहुत सारे काम आसान कर सकते हैं, अपना बहुत सारा समय और पैसा भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक मैजिकल पाउडर बनाएंगे जो हमारे बहुत ही काम का है, हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, हमारे स्टोमक के लिए, स्पेशली हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ये एक रामबाण है और ये देखिए हमने कुछ कैंडीज भी बनाई हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हमें सीजन में ही अवेलेबल होती हैं और सस्ती भी मिलती हैं। अगर बिना उसके सीजन के हम उसको मार्केट में लेने जाएंगे तो सुपर मार्केट वगैरह में तो क्या पता आपको मिल भी जाए, लेकिन लोकल मार्केट में आपको ये बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जैसे कि आंवला हो गया, ये सीजन में जैसे सर्दियों के सीजन में ही ज़्यादा आता है और बहुत सस्ता भी आपको इस टाइम पे मिल सकता है। तो अब बात आती है कि हम आंवले को पूरे साल कैसे स्टोर करें। तो बहुत सारे तरीके से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले आंवले का अचार बनाना भी बताया था, उसके बाद हमने आंवले का मुरब्बा भी बनाया, इसकी कैंडी भी बनाई है जिसकी वीडियो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, और आज हम बना रहे हैं आंवले का पाउडर। तो आप मार्केट से आंवला लेके आइए, सबसे पहले तो आप साफ़ साफ आंवला लाइए, उसके बाद उसको गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, मीडियम गर्म पानी में। बहुत ज़्यादा आपको उबलता हुआ पानी नहीं लेना, उससे क्या होगा आंवले के ऊपर का पूरा डस्ट अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इसके बाद इस तरह से टुकड़ों में आप इसको काट लीजिए। तो देखिए, अभी सर्दियों का मौसम है, अगर हम इसको बड़ा बड़ा सुखाना चाहेंगे तो ये नहीं सूख पाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको सूखने में। तो हम क्या करें कि हमारा जो ये आंवला है ये फटाफट से सूख जाए और हमें बढ़िया सा इसका पाउडर मिल जाए, इसके लिए आपको क्या करना है मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आंवले को देखिए काट लिया इस तरह से, ये 1 किलो आंवला है, बीज इसका साइड में निकाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह का कोई भी चॉपर ले लेंगे या आप मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। अगर आप मिक्सी में इसको पीस रहे हैं, काट रहे हैं, तो आप पल्स पे करके चलाइए उसको, पल्स मोड पे, बस कुछ कुछ सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा आपको इसका पेस्ट नहीं करना है, नहीं तो इसका सारा जूस जो है वो ये रिलीज़ कर देगा। अगर इस तरह का चॉपर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत आसानी से इस पर बिल्कुल बारीक बारीक ही कट जाता है। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बस ध्यान रखें कि इसका पेस्ट ना बनाएं बिल्कुल भी आप, या तो आप इसको चाकू से ही बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिए। और सारा मैं इसी तरह से चॉपर में इसको काट के रख लूँगी। इस तरह के गैजेट अगर हमारे किचन में होते हैं तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है, जो काम हम घंटों घंटों लगा के करते हैं वो कुछ ही मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। तो देखिए कितना बारीक बारीक कट गया है ये, और मेहनत भी बिल्कुल नहीं लगी। अब आती है इसको सुखाने की बारी। तो इसको सुखाने के लिए या तो आप कोई प्लास्टिक की सीट ले सकते हैं, जो प्लास्टिक की सीट हम अलमारी वगैरह, स्टील के बर्तन में भी आप इसको सुखा सकते हैं, और भी फैला के सुखाना है। अब अगर आपके घर में धूप आती है तो आप धूप में सुखा दें, नहीं तो आप इसको पंखे के नीचे भी रात भर छोड़ेंगे ना, तो 2-3 दिन तक ये इसी तरह सुखाने के बाद अच्छे से सूख जाएगा। मैंने ये धूप में डाला हुआ है और देखिए बिल्कुल फैला दिया था ताकि जल्दी से सूख जाए। ये ऊपर से इस तरह का एक कपड़ा ढक दिया जिससे कि इस पर डस्ट भी ना गिरे, कोई भी दुपट्टा वगैरह आपके पास है वो आप ढक सकते हैं इस पर। और देखिए मुझे 3 दिन लगे हैं इसको सुखाने में और ये बहुत बढ़िया से देखिए सूख गया है। अगर आपको 3 दिन में आंवला आपका नहीं सूख रहा है तो 1-2 दिन आप और सुखा लें, लेकिन बिल्कुल आपको अच्छे से सुखाना है इसको। थोड़ी सी भी अगर इसमें नमी रह जाएगी तो इसका पाउडर भी नहीं बन पाएगा। और आंवला हमारा सूख तो गया है, अब हम इसको चाहें तो ऐसे ही आप स्टोर कर लें, जब आपको पाउडर बनाना हो तब आप बना लें, और चाहें तो आप इसको अभी पाउडर बना के रख सकते हैं। तो मैं इसका पाउडर ही बना रही हूँ। तो इस तरह का आप कोई भी मिक्सी का जार ले लीजिए और इसमें डाल के इसको पीस लीजिए। देखिए बढ़िया से पीस गया है, लेकिन मैं इसको छान लूँगी ताकि अगर ये थोड़ा सा मोटा भी कहीं रह गया होगा, थोड़ा बहुत इसमें कुछ टुकड़े रह गए होंगे वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि कई बार हम इसको बालों में लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं ना, तो अगर फाइन पाउडर होगा तो वो आप अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। और जो ये चंक्स बच जाते हैं ना ऊपर, इनको आप फिर से मिक्सी में डाल के पीस सकते हैं, और अगर नहीं पीसे जा रहे हैं तो आप इनको फिर से धूप दिखा सकते हैं। कई बार होता है कि थोड़ी बहुत नमी रह जाती है, कोई टुकड़ा अगर बड़ा रह जाता है तो सारा इसी तरह से हमें छानना है। आप चाहें तो इस पाउडर को 2 बार भी छान सकते हैं, मैं सिर्फ 1 बार ही छान रही हूँ, आप 2 बार छान के भी रख लें।
छोले वगैरह में तो ये एक तरह से आपका जो छोले बनाने में अगर आप इसको यूज करते हैं तो एक तो इतना बढ़िया छोले का कलर आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे आप आंवला की कैंडी भी बना सकते हैं, अपने बालों में भी इसको लगा सकते हैं, और भी कई सारी रेसिपीज हैं आंवले की चटनी वगैरह बनाने की, उस पे के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा तो बच गया है हमारा, एक दो चम्मच के जितना, ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा बच गया। इसको मैं दोबारा से धूप दिखाऊंगी और ये जो पाउडर है इसको हम किसी भी डब्बे में डाल के रख देंगे। इसको साल दो साल जितने लंबे टाइम के लिए चाहें आप स्टोर कर सकते हैं, इसका कुछ भी ख़राब नहीं होता है। और आपको इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल सूखा हुआ है। और पाउडर देख रहे हैं आप, इसको कितना फाइन पाउडर बन गया है। इस पाउडर को स्टोर करने के लिए या तो आप कोई भी एयर टाइट डब्बा ले सकते हैं या फिर आप कोई जिपलॉक बैग आते हैं उसमें भी इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्रेंड्स आपके लिए और ज़रूरी टिप्स, आप इस तरह के अगर आपके पास फेनल है तो वो ले लीजिए। इससे आप अपने जो मसाले होते हैं, जो पाउडर वगैरह के मसाले होते हैं, जैसे कि नमक हो गया, मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, अगर आप इसको लगा के अपने डब्बों में डालते हैं तो बिना बिखरे आपका जो सामान है आसानी से डब्बे में चला जाता है। देखिए है ना एकदम बढ़िया सा पाउडर। और ये थोड़ा सा नीचे जब बच गया है इसको भी हम चाहें तो ऐसे ही यूज़ कर लें किसी भी रेसिपी में, या फिर आप इसको भी जब ये अच्छे से सूख जाए तो पाउडर बना के रख दें। और देखिए कितना सारा बन गया है। इसी तरह अगर आप चाहें तो और भी ज़्यादा आंवले का पाउडर बना सकते हैं। अभी सीजन है आंवले का, सस्ता सा आंवला आपको मार्केट में मिल जाएगा और पूरे साल दो साल जितने दिन चाहें आप इसको रख सकते हैं। कैसी लगी आप सभी को आज की मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मुझे तो इसको बना के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा हमारा जो मोटा मोटा बच गया है, ये भी ज़्यादा मोटा नहीं है, हल्का सा देखिए मोटा है। इसको हम अगर एक दो दिन भी धूप दिखा देंगे ना तो ये आसानी से पीस जाएगा, और उसके बाद इसको भी पीस के आप इसी डब्बे में डाल के रख सकते हैं। आंवले का पाउडर बनाने के साथ साथ मैंने देखिए कैंडी भी बनाई है, और ये कितनी ज़्यादा जूसी हैं, और टेस्ट तो आप बस बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। और ये कैंडी आप बिना आंवले को बॉईल किए भी बना सकते हैं। तो जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आंवला कैंडी की रेसिपी। आज की ये पाउडर की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।